कहता है मर गा तो गई गई खूंटा पाड़ लेगी। दुष्यंत चौटाला के इन मजाकिया ढंग से बोले गए बोलों ने उन सभी चेहरों पर मुस्कान ला दी जो गठबंधन टूटने के बाद गंभीरता से उनके ऊपर ये टकटकी लगाए हुए थे कि दुष्यंत चौटाला का अगला कदम क्या होगा। क्या वो 4.5 साल तक उनके अलायंस पार्टनर बीजेपी को खुलकर कोसेंगे या पहले की तरह सदे हुए शब्दों के साथ चुप्पी साध लेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से मजाकिया ढंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद भी खच्चर की छीनी हुई कुर्सी से लेकर खुद के बागी विधायकों को लपेटते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नसीहत देकर उनकी टांग खिंचाई की, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा, और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे, उनने बात कही थी मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरा नहीं, गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। वैसे जो बोलने का स्वाद विपक्ष में राज में को नहीं। मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये मारे 2-3 दाए बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया, उससे वहां खड़े सभी लोगों के मुंह से एक ही बात निकली, गजब गजब दुष्यंत चौटाला का भाषण, गजब ऐसी सिचुएशन हैंडल करने का उनका तरीका। उन्होंने एक तरफ जहां अपने भाषण में पक्ष और विपक्ष दोनों की टांग खिंचाई की, तो वहीं अपने राजनीतिक विरोधी चौधरी डूमर खां व उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के भी जमकर मजे लिए। साल पहले कैंड लग गया था, गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसने कह तो दो, 2 दिन इंतजार कर लेता, उसको तो मेरे से ज्यादा जल्दी हो रखी थी। और हैरानी है, खुद नहीं बाजा, छोरा बजा दिया। वो जींद की एक बैठक में कह गए थे उचाणा से दीदी दोबारा आएगी, अरे दीदी जीत जा भांजा सारे तो बाज गए। हमारी चिंता छोड़ दे, खुद आड़े टोल ने संभाल लियो। ऐसे में देखना यह है कि दुष्यंत चौटाला का यह पुराना अंदाज उनके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर पाएगा या नहीं, उनके कार्यकर्ता इस नुकसान को नुकसान की श्रेणी से बाहर निकाल पाएंगे या नहीं। चलिए हम भी बात कर लेते हैं जेजेपी के आम कार्यकर्ताओं से और जान लेते हैं उनके मन की स्थिति, उनके मन का हाल। भाई हरियाणा की सियासत में कल बड़ा फेरबदल हुआ है, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि गठबंधन के बाद यानी बीजेपी से ब्रेकअप के बाद जेजेपी के कार्यकर्ताओं का हाल क्या है, उनकी मनोस्थिति क्या है, और जो ये फिलहाल यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं कहाँ से पहुंचे हैं, किस वायदे पर पहुंचे हैं। ताजी राम राम, राम राम, कितना हो देवत है, देवत है, देवत है। ये दुष्यंत चौटाला ने वोट दोगे के? हाँ देंगा। अच्छा वोट दोगे इसने? हाँ वोट देंगा। यो काल जो गठबंधन सरकार टूट गई इनकी, तो इससे नाराजगी है आप में? हाँ नाराजगी है, नाराजगी है। अच्छा हाँ जी, कहाँ से आए हो? देवत है, देवत है। देवा से किसके साथ आए हो? सोनू के साथ। चलिए भाई ये सामने जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर, नमस्कार,
मुझे बताइए ये जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति क्या है? आप लोग खुश है, नाराज है? हम खुश है जी, अभी और ज्यादा जनता जुड़ेगी इनके साथ में। अच्छा, उनसे पहले से ज्यादा ग्राफ बढ़ेगा। अभी आप ऐसा क्या कर देंगे, ये जो सरकार में रहते हुए नहीं कर पाए? सरकार में रहते हुए तो नहीं कर पाए, हिस्सेदारी कम थी, अभी बहुत ज्यादा हिस्सेदारी हुई, अब एक तरफा हो गया आएगा इसका। चुनाव में कुछ ग्राफ उठेगा इनका? बिल्कुल उठेगा जी। हाँ जी, क्या लग रहा है अब की बार ये गठबंधन टूटने के बाद इनका कुछ ग्राफ उठेगा या और गिर जाएगा? जेजेपी के वर्कर, कोई भी वर्कर इतना कमजोर दिल का नहीं है कि उनका हौसला टूट जाएगा। अच्छा। हम जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो फैसला लेंगे, जो दुष्यंत चौटाला जी फैसला लेंगे, जेजेपी का हर वर्कर उनके साथ उससे भी ज्यादा तक लगाकर उनके साथ जुड़ा रहेगा। ताऊजी कौन से गाँव से आयो? अच्छा, यूँ बताओ ये दुष्यंत चौटाला जो ये डिप्टी सीएम था, डिप्टी सीएम तो रहा नहीं, कोई फायदा है इसने गठबंधन टूटे का? वो सुबह में गल्ले है जी, कुछ ही फेर बढ़ाए जावे। अच्छा। इतनी फेर बढ़ावे? अच्छा। हाँ फिर इन्हें पेंशन तो पूरी करी नहीं, जितनी दी थी उतनी पेंशन तो पूरी करी नहीं इन्हें। पेंशन तो जो इसका साहित्य ना था, इसका क्या समझा साहित्य ना था यार। राजा आवाज में पूरी क्या उनसे करेगा जी, पूरा ना जाएगा जी, पूरी क्या उनसे करेगा। और भाई चलो और आगे से चलते हैं। ताऊ जी राम राम, कहाँ से आए हो? बड़गाम से। अच्छा, ये बताओ ये दुष्यंत जो है आपकी बार अगली बार वोट दोगे किसने? ना हाँ दोगे इनको, दोगे? अरे बीजेपी ने, बीजेपी ने कुछ नहीं दे, बीजेपी ने कुछ नहीं दे, क्या थे इन्होंने सके? मेरे बहुत पुराने लोग निकल गया। अच्छा, ताऊ देव लाल बड़ा धनी हमारे भूलत जा करता है हम लोग जी, हमें यो जो गठबंधन टूटा है इसका फायदा होगा कि नुकसान? हाँ फायदा होगा, फायदा होगा, फायदा होगा। सर ये जो गठबंधन टूटा है, गठबंधन जो टूटा है उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, फायदा होगा, नुकसान कैसे होगा, इसमें तो बहुत फायदा होगा। कारण क्या है फायदे का? कारण तो अभी आगे निकलेगा, निकलन भी लगा हुआ है। हाँ तो इसको तो बहुत फायदा है, बढ़िया तरिया करेंगे तो जो फायदा उठेगा। और साथ ही जो अगली लाइन में चलते, सर ये जो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, फायदा होने वाला है नुकसान होने वाला है, जेजेपी के कार्यकर्ताओं की क्या जो मनोस्थिति क्या है फिर? अब ये टिकट लेने के लिए हिसार और बिहारी में टिकट लेते हैं, अजय सिंह की पक्की जीत है, अगर हिसार से इनको टिकट मिलती है एमपी की तो पक्की जीत है, या दिग्विजय को भी मिलती है तो इनकी पक्की जीत है। अब की बार गठबंधन टूट चुका है सर, अब कौन देने सीट वाले, सीट देने वाले खुद ही हैं ये अब? नहीं, अब जो एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं इनकी अब पक्की जीत है इनकी जी। सर गठबंधन टूटने का फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा मैम, नुकसान होगा। किस तरीके से नुकसान होगा? दोनों पार्टियों को नुकसान, आप सोच रहे हैं बीजेपी को नुकसान है, बीजेपी लोग अकेले को नहीं है, जेजी को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। पिछली बार 11 सीट थी, ठीक है, अब की बार क्या मान के चल रहे हो? वो तो कार्यकर्ता है सर, जनता जानेंगे हम, जनता तो बता ही दी है मैम, नुकसान होगा दोनों पार्टियों, नुकसान होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जब इन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था ना, उस वजह से नुकसान होगा, उस वजह से नुकसान, क्योंकि एक तो भरोसा और एक विश्वास होता है ना, वो कहीं गायब हो। ताऊ जी आपकी बारी, गठबंधन जो टूटा है उसका कितना नुकसान होगा थारी पार्टी के? आपकी बार जो ये गठबंधन टूटा है कितना नुकसान होने वाला है पार्टी को? कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? इस बार से दुष्यंत जीतेगा, इस बार से दुष्यंत जीतेगा पक्का, पक्की तसल्ली है, पक्की। कुर्सी क्यों नहीं भर पा रही? कुर्सी तो एकदम ओ यार जब सारे एकदम पता कौन था लोगों ने। अच्छा, उचाना से आ रहे हम, उचाना से, उचाना से आए हो? अच्छा, उचाना में किमें है दुष्यंत का नाम कम? उचाना में जीतता है की बात है पक्का, चलो पक्का। हाँ जी सर, गठबंधन का नुकसान होने वाला है, फायदा होगा?